नीट पर सियासी संग्राम जारी है। ईओयू की पूछताछ में आरोपी सिकंदर का बयान, संजीव मुखिया ने मुहैया कराए थे प्रश्न पत्र। नीट मामले पर तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी शासित राज्यों में ही घटना का होना संयोग या प्रयोग। राहुल गांधी ने नीट के छात्रों से गुरुवार को मिलने का वीडियो जारी किया, कहा हम संघर्ष में छात्रों के साथ, सरकार पर बनाएंगे दबाव। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हाई लेवल कमेटी करेगी नीट मामले की जांच, राहुल बोले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने नीट विवाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा, पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। तमिलनाडु में नीट को लेकर राज्य में होगा प्रदर्शन, आज सीपीएम करेगी विरोध प्रदर्शन। 26 से 27 जून तक होने वाली सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित, संसाधनों में कमी की वजह से परीक्षा स्थगित। वहीं बिहार में शिक्षक सक्षमता परीक्षा टीईटी को भी किया गया स्थगित, 26, 27 और 28 जून को होने वाली थी ये परीक्षा। बीएसईबी कराती है टीईटी की परीक्षा, बीपीएससी हेड टीचर हेडमास्टर की परीक्षा की तारीख टकराने की वजह से टाली गई सक्षमता दो परीक्षा। वे नीट पेपर लीक मामले में बोली मायावती, मुख्य आरोपियों के खिलाफ जरूरी एक्शन ले सरकार। इधर दिल्ली में केजरीवाल को हाईकोर्ट के फैसले तक तिहाड़ जेल में ही रहना होगा, सोमवार या मंगलवार को जमानत पर हो सकती है सुनवाई। हाईकोर्ट ने राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर लगाई है रोक, जमानत पर हाईकोर्ट से रोक पर बोली सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, देश में बढ़ गई है तानाशाही। कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट के फैसले पर इशारों में उठाया सवाल, ट्वीट करके तंज किया है। दिल्ली में पानी पर उबाल, गांधी समाधि राजघाट पर मंत्री आतिशी का अनशन, हरियाणा पर पानी ना देने का आरोप लगाया। दिल्ली में आतिशी के पानी सत्याग्रह पर बीजेपी का पलटवार, कहा यह सब सियासी ड्रामा है। वही तमिलनाडु में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या में इजाफा, 53 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाने पर बड़ा विवाद, विपक्ष ने वरिष्ठता को लेकर उठाए सवाल तो संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कांग्रेस को याद दिलाया इतिहास। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दो दिनों के दौरे पर भारत पहुंची हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी करेंगे मुलाकात। वहीं कनाडा की संसद में खालिस्तानी निज्जर की हत्या पर एक मिनट के मौन पर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है। कनाडा की संसद के बाहर खालिस्तानियों ने सिविल कोर्ट आयोजित किया, इसके खिलाफ भी भारत ने कनाडा से आपत्ति दर्ज कराई है। राजकोट अग्निकांड में एसआईटी ने सरकार को 100 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी, 28 लोगों की गई थी इस हादसे में जान। योगी सरकार पेपर लीक और सॉल्वर गैंग पर लगाम के लिए ला सकती है नए कानून, भारी जुर्माना, बुलडोजर एक्शन सहित जेल का भी हो सकता है इसमें प्रावधान। जबकि विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी, हरियाणा झारखंड महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में होने हैं विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं। रामनगरी अयोध्या में सरयू महोत्सव का शुभारंभ, यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने उद्घाटन किया, 22 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मनाई जाएगी मां सरयू की जयंती। वहीं रामनगरी अयोध्या और प्रयागराज में बढ़ते पर्यटन के चलते वीवीआईपी गेस्ट हाउस का निर्माण करेगी यूपी सरकार। महाराष्ट्र के जलगांव में 6 साल की बच्ची को अगवा करके उसके साथ हैवानियत और फिर उसकी हत्या के मामले में हुए बवाल की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है, गुस्साई भीड़ ने जनता पर थाने पर हमला बोल दिया था। वारदात से नाराज लोग पुलिस से आरोपी को हवाले करने की मांग कर रहे थे, इसी को लेकर भीड़ ने थाने पर पथराव के बाद आग लगा दी थी। इस हिंसा में 14 पुलिस वाले जख्मी बताए जा रहे हैं। इधर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में निकाला प्रोटेस्ट जुलूस, नीट परीक्षा रद्द होने पर निकाला मार्च। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में युवाओं में नीट में हुई धांधली के खिलाफ खोला मोर्चा, निकाला मशाल जुलूस, नारेबाजी। उधर सूत्रों के मुताबिक वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए प्रचार कर सकती है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। वायनाड उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता से मिले थे चिदंबरम, अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा था कि ममता से मेरा कोई निजी मतभेद नहीं। अटल सेतु में दरार आने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा यह भ्रष्टाचार का मामला है। एमएमआरडीए की आई सफाई, कहा नहीं है सेतु पर दरार। उत्तर प्रदेश में होने वाली हर भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश, परीक्षा केंद्र पर चेकिंग समेत हर पहलू को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किया गया। जबकि बुलडाणा में महायुति के खिलाफ कांग्रेस ने किया कीचड़ फेंको आंदोलन, महायुति सरकार के पुतले फूंके।
उधर गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह का पेरिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स 2024 के लिए चयन हुआ है। आज होगी जीएसटी काउंसिलिंग की 53वीं बैठक, दरों को लेकर चर्चा होगी। वहीं आकाश आनंद की चुनावी मैदान में फिर से हो सकती है वापसी। पंजाब के उपचुनाव के लिए बीएसपी ने आकाश आनंद को बनाया स्टार प्रचारक। जबकि अहमदाबाद दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, 30 स्मार्ट स्कूलों का ई लोकार्पण, बोले ये स्मार्ट स्कूल्स छात्रों के जीवन का पथ दर्शक बने। बारिश में हाईवे पर घायल गायों को मिलेगी गो एम्बुलेंस, सीएम मोहन यादव ने बैठक में गोवंश को लेकर अहम निर्देश जारी किए। उधर गुजरात हाईकोर्ट ने महाराज फिल्म पर स्टे हटाया। 3 दिनों तक चली सुनवाई के बाद फिल्म की रिलीज पर से स्टे हटा। अमूल डेयरी ने अपनी बढ़ती छाछ की बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च की काठियावाड़ी छाछ। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गुरुग्राम, करनाल और कैथल में सीएनजी की कीमत नहीं बढ़ाई गई। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश की अलर्ट, जगह जगह एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। वहीं टिहरी में भारी बारिश के चलते भिन्नू नाला उफान पर है, सड़क पर मलबे के साथ बोल्डर्स आ गए। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में हुई जोरदार बारिश, सीजन की पहली बारिश से सूखे पेड़, नदी नालों में भरा पानी। नोएडा में मौसम ने करवट ली है, तेज हवाओं के साथ बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत दिलाई है। फाजिलका में बारिश के कारण मकान की छत गिर गई, एक शख्स की जान चली गई इसमें। जबकि खबर दिल्ली से, दिल्ली के नीलोठी गांव में फैक्ट्री में भीषण आग, फायर टेंडर्स 28 गाड़ियां मौके पर लेकर पहुंचे और आग बुझ गई है। फिलहाल भीषण आग की लपटें आसमान में उठती दिखी, फिलहाल किसी के जख्मी होने की जानकारी नहीं। सूरत में चार्ज हो रही इलेक्ट्रिक मोपेड में आग लग गई, आग के चलते नजदीक में रखे सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ, एक युवती की जान चली गई। वहीं अमेठी में झाड़ियों में लग गई भीषण आग, आग बुझाने पहुंचे फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, आग की चपेट में वो भी आ गए। जबकि सहारनपुर में हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर जानलेवा हमला, लोगों ने अन्य अपराधियों को भी भगाया। समस्तीपुर में प्रेशर लीकेज की वजह से बीच पुल पर रुक गई ट्रेन, लोको पायलट में सूझबूझ से इंजन के प्रेशर लीकेज को ठीक करके ट्रेन को आगे बढ़ाया। फिरोजाबाद जेल में चोरी के मामले में बंद आरोपी की मौत हो गई, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। वहीं शव को चौराहे पर रखकर लोगों ने जाम लगा दिया, आगजनी की गई, पुलिस ने रोकने के लिए हवाई फायरिंग की। थाने में फुटबॉल क्लब की छत गिरने से 5 से अधिक बच्चे जख्मी हो गए, शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। आगरा में पशुधन विभाग के एडिशनल कमिश्नर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए, विजिलेंस टीम ने ड्राइवर को भी दबोचा। वहीं मेरठ के गो संरक्षण केंद्र में बदहाली के आरोप, भूख और बीमारी से गोवंशों के मरने का आरोप, वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 1 घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही मां बेटी, कड़ी मशक्कत के बाद खोली गई लिफ्ट। लातूर में एक मां की अपनी 5 साल की बेटी के साथ आत्महत्या, आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते डिप्रेशन में थी महिला। उज्जैन के ताजपुर में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। मोतिहारी में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया, भीड़ ने एक युवक की जबरदस्त पिटाई की। एक्टर्स की बढ़ती डिमांड पर अनुराग कश्यप का खुलासा, कहा एक एक्टर ने हेल्दी डाइट के नाम पर रोजाना 2 लाख फीस लेने वाला मांगा था शेफ। फैन रेणुका स्वामी मर्डर केस में नया अपडेट, कन्नड़ एक्टर दर्शन ने 2 से 40 लाख उधार लिए थे, सबूत मिटाने और लाश ठिकाने लगाने में खर्च किए। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स को लेकर अपडेट, स्त्री 2 के साथ फर्स्ट लुक रिवील होगा, वीर पहाड़ियों ने फिल्म के लिए ली है साल भर ट्रेनिंग। स्वरा भास्कर बोले इंडस्ट्री नहीं देती काम, मुझे अलग सा दिया जाता है ट्रीटमेंट। होने वाले दमाद जहीर के साथ देखे शत्रुघ्न सिन्हा, नाराजगी की खबरों पर लगाया विराम। 24 जून को सेंसेक्स में शामिल होगा अडानी पोर्ट्स, आईटी कंपनी विप्रो होगी बाहर। अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स जमा किए, आईपीओ के जरिए 3,500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है कंपनी।